अलीगढ़ के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों की मौत के मामले के आरोपी डॉक्टर कफील पर अब अलीगढ़ में रासुका के तहत केस दर्ज करवाया गया है। कफील ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए और एनआरसी के विरोध में भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में 13 दिसंबर को पुलिस ने कफील पर मुकदमा दर्ज किया था और 29 जनवरी को यूपीएसटीएफ ने उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि 10 फरवरी को उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन अब मथुरा जेल में बंद कफील की रिहाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 12 दिसंबर को डॉक्टर कफील अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहुंचे थे। उन्होंने एएमयू में धरना दे रहे छात्रों के बीच विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर थाना सिविल लाइन में उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया था, जिसके बाद यूपीएसटीएफ ने डॉक्टर कफील खान को मुंबई से गिरफ्तार किया था। अलीगढ़ पुलिस ने कफील को जेल भेज दिया था। फिलहाल वह मथुरा की जेल में कफील खान के अधिवक्ता ने कोर्ट में उसकी जमानत की अर्जी डाली, जिस पर 10 फरवरी को सीजेएम कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को जमानत दे दी। कोर्ट ने 60,000 के दो बॉन्ड के साथ सशर्त जमानत दी कि वह भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। 10 फरवरी को हुई डॉक्टर कफील की जमानत के बाद उनकी अभी तक रिहाई नहीं हो पाई है। गुरुवार को उनकी रिहाई होनी थी। उनके वकील इरफान गाजी और अन्य लोग मथुरा जेल पहुंचे तो पता चला कि उनके ऊपर अलीगढ़ प्रशासन ने एनएसए लगा दिया है। एनएसए लगाने के बाद उनकी रिहाई फिर रुक गई। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। बताएं, डॉक्टर कफील की रिहाई होनी थी क्या? हाँ, डॉक्टर कफील की रिहाई आदेश कल रात में 8 बजे के बाद आया था। आज मॉर्निंग में उनकी रिहाई होनी थी। उनकी रिहाई होने से पूर्व जनपद अलीगढ़ से डीएम महोदय के आदेश पे एनएसए का आदेश आ गया था, तो एनएसए उन पर तामील कराया गया है। मथुरा जेल कब शिफ्ट किया गया था? हाँ, मथुरा जेल इन्हें 31 जनवरी को शिफ्ट किया है, अलीगढ़ से शिफ्ट किया गया था। वर्तमान में वो एनएसए में बंद है, और जिस केस में उन्हें यहाँ शिफ्ट किया गया था, माननीय न्यायालय के केस था 153-154, उसमें उनकी जमानत। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।